हर आहट पर तेरी खुशबू आती थी, तेरे आने का जब जब इम्कान रहा। और ऐसी ही आहट है सिलसिला की, जिसमें है बेशुमार रंग, और इन रंगों के साथ मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर आज के सफर पर। दिल्ली के एपिक सेंटर में मॉनसून फेस्टिवल का आयोजन किया गया और माल्या अवस्थी, जो कि लोक गायकी का एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने इस मौके पर एक से बढ़कर एक सावन के गीतों को पेश किया और इसमें शामिल रही गजरी और ठुमरी भी। अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे रामा सावन सावन का महीना और रिमझिम बरसात का मौसम, और हो एक शाम अवधि गीत संगीत से सजी, और उसमें हो अवध की खालिस रंग में रंगी आवाजों अंदाज की बेहतरीन कलाकार मालिनी अवस्थी। कजरी गीतों की परंपरा काफी प्राचीन है और सावन में इसे गाया जाता है, और जब मालिनी अवस्थी ने इस मौके पर कजरी पेश की तो लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। Thank you.
के दौर में लोकगीतों का चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है ताकि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराया जा सके। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में साहित्य कला परिषद दिल्ली की ओर से ठुमरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर मकबूल शख्सियत और गायिका शुभा मुद्गल ने एक से बढ़कर एक बंदिशों को पेश किया। इस मौके पर कई जानी मानी शख्सियतें भी मौजूद थी। शुभा मुद्गल भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक जाना पहचाना नाम, जिनकी आवाज और अंदाज सबसे मुख्तलिफ है। अब ना करो मुझे प्यारे ठुमरी का रंग उनकी आवाज में सुनते ही बना, जो रहा इस शाम का पहला रंग। अब ना शुभा मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नवीनतम प्रयोगों के लिए भी जानी जाती हैं। शास्त्रीयता के साथ भक्ति रस से सजी रचना चांद मियां की प्रस्तुति इसका साक्षात उदाहरण है। चमक करने कसी परिहार
विधा प्राचीनतम विधा है और ऐसा माना जाता है कि अवध में इसका खासा चलन रहा है, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी में ये खूबसूरत विधा गुम होती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ले रहे हम एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बॉलीवुड की उभरती हुई युवा गायिका हर्षदीप कौर ने अपने मनपसंद गीतों को पेश किया और इस खास मौके पर कई जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद थी। Ding-a-l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 ing
दिल्ली के श्रीराम सेंटर में मकबूल रंगकर्मी डॉक्टर एम सईद आलम के जरिए लिखित कॉमेडी नाटक गालिब इन न्यू दिल्ली का बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मंचन किया गया। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां। उपमहाद्वीप में उर्दू और फारसी के मशहूर और मकबूल अदीब और शायर जिन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर में उर्दू और फारसी जबान को एक नई पहचान दी। डॉक्टर एम सईद आलम के निर्देशन में गालिब इन न्यू दिल्ली कॉमेडी नाटक का मंचन गालिब को आज के मौजूदा हालात से जोड़कर प्रस्तुत करने की एक कामयाब कोशिश है, जिसमें गालिब की जिंदगी की झलक को भी पेश किया गया है। नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली मेरी जेब में। जिन्होंने बोला नई 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 दिल्ली जाना है, मेट्रो मत रो होगा। हाँ जनाब 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 नई 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 दिल्ली जाना है साहब। जाम लगा है, अरे साहब जाम लगा है तो लगा रहने दीजिए, मुझे फुर्सत हुई तो मैं भी एक आध जाम लगा इस नाटक में गालिब को न्यू दिल्ली में किन हालात से दो चार होना पड़ता है और गुम होती अपनी पहचान से गालिब किस कदर मायूस हैं, इसकी झलक इस नाटक में बखूबी बयां की गई है। अरे कुछ तो बोल दे, नई दिल्ली जाना है साहब। कहना बोले नई दिल्ली जाना है, नई दिल्ली जाना है, पता नहीं मजाक कहां का बता देगा। जो बावड़ी पूछ नई दिल्ली में खड़ा, नई दिल्ली का पता पूछ रहा। बावड़ी पूछ भाई, जो मुर्गा फंसे फंसे बावड़ी पूछ। अबे क्या बोला तेरा, नई दिल्ली जाना, नई दिल्ली जाने का लाइसेंस है तेरा? नहीं तो अब परमिट होगा मेरे पास तो साहब, फकत ये एक बक्सा है। के है जो फकत बक्से में चंद तस्वीर बुता, चंद हसीनों के खुदूत, चंद तस्वीरों के खुदूत, चंद तस्वीरों के खुदूत, चंद मेरे शेर की बेहरमती कर रहे हो तुम। चांदी 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 ले बोल रहा है इस बक्से में? चांदी नहीं जा भाई, मैंने तो इसमें स्मगलिंग का सामान ला के भाई इतना खोल कर दिखा भाई। पहले लोग ताड़ी पीते थे, अब ताबड़ी करते हैं। ये लीजिए। क्या बोले भाई? ये लीजिए, ये लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। दिल्ली पुलिस ने तुम्हें सिखाया। हेलो खड़ा 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 खड़ा
खड़े हो गया साहब। सिर पर चढ़ा गया मेरे। उंगा मर जा। उंगे मैं नहीं देखनी पड़ेगी नहीं चांदी ले बोल रहा। अरे चांदी सुनने से ना मुझे तब मतलब था ना मतलब है ना तब हासिल हुई ना हासिल होने की कोई उम्मीद नजर आती है। कहाँ चांदी कहाँ सोना कहाँ वाले अरे किट खुला दी। मैं बता रहा हूँ साहब। ये लीजिए ये लो ये ले ये ले। कि गालिब को तो आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक कि वो हर वो शख्स जो गालिब से इश्क करता है वो उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाए उर्दू पढ़ना लिखना जाने। उसके बगैर गालिब से इश्क मुमकिन नहीं है। हाँ ये जो भारत वर्ष है ना कानी बाबा की गजल है भी। सही कह रहे हो तभी सर पे एक भी बाल मौजूद नहीं है। ये नाटक गालिब को नए जमाने में एक नई पहचान के साथ जोड़कर पेश करने की एक कोशिश है। ये दिल्ली का बस अड्डा है हाथ समेत ले जाए कोई। शुक्रिया शुक्रिया। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सोशल टाइज नामक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका विषय था समाज में फैले असामाजिक कुरीतियों का तिरस्कार करना और समाज को चित्रकला के जरिए जागरूक करना। हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं facebook.com/silsilaonrajyasabhatv के जरिए। और दीजिए इजाजत। नमस्कार आदाब।